भारतवर्षीय यादव समाज की महिलाओं ने शारदा विहार अमरैयापाड़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन इसमें मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में यादव समाज को उचित महत्व दिए जाने को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने का दावा किया। नगर पालिक निगम के वार्ड संख्या 12 शारदा विहार के अंतर्गत भारतवर्षीय यादव समाज की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन गरिमामय अंदाज में किया गया। अतिथियों की ओर से द्वापर युग के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने राष्ट्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और एक बार फिर उनके हाथों में देश की बागडोर देने का आह्वान समाज से किया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बना के जिस तरह से हमारे देश के गौरव ऊपर उठाए नरेंद्र मोदी जी, आज भारत का आर्थिक मामला में हो, शक्तिशाली बनाए हो, विकास के मामला में हो, जन कल्याणकारी योजना चलाने के मामला हो, ये सारी काम हमारे प्रधानमंत्री जी करे तो नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत का सुरक्षित रखे बात हमारे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनी बहुमत के साथ में सांसद जीत के देंगे। उद्योग और श्रम मंत्री ने बताया कि समाज की ओर से कई मांगे की गई हैं। समाज को नेतृत्व देने के बारे में सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले इसके बारे में कहा गया और निश्चित तौर पर मैं यादव समाज की भावना है उसको आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने संगठन के बड़े नेताओं हैं, संगठन के महामंत्री हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश के सब प्रभारी हैं, तक उनके बातों को मैं पहुँचाऊँगा। और यहाँ जो राधा कृष्ण मंदिर है, इनके सामुदायिक भवन है यादव समाज के, उसके ऊपर में हाल का जगह छूटा हुआ है, उसके लिए बात आई थी। मैंने चुनाव से पहले उनको कहा था कि मुझे आप लोग आशीर्वाद देंगे, भवन का निर्माण देंगे कराएंगे और यादव समाज का आशीर्वाद मिला, क्षेत्र के बाद निवासियों का आशीर्वाद मिला और मैं बन गया हूँ। जो जो वादा हमने किया है वो सारी वादा को पूरा करेंगे। भारतवर्षीय यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव ने इस बात को लेकर शिकायत की कि पिछली सरकारों में यादव समाज को उचित राजनीतिक महत्व देने के बारे में गंभीरता नहीं दिखाई गई। दूसरे समाज की तुलना में हमारी संख्या ज्यादा है और इस आधार पर हमारी मांग जायज है। पिछले 15 साल के कार्यकाल में भाजपा द्वारा और 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के द्वारा जो समाज जैसे मछुआ समिति का है तो केवट और धीमल लोगों को मौका दिया, शाकंभरी है उसमें पटेल और सब्जी लगाने वालों को दिया, लेकिन हमारा जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हैं ना तो दुग्ध महासंघ में और न ही गौ सेवा आयोग में कभी यादव समाज के लोग ने आश्वासन दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रीय और प्रदेश के जो संगठन मंत्री है और महामंत्री है उनसे चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से इसमें पहल होगी। यादव महिला मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। सम्मेलन में कई प्रकार के पहलुओं पर चर्चा की गई। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की और इस आयोजन को सफल बनाया। कोरबा से अविनाश प्रसाद के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।